हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शिवानी गुजरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस, बाम हो रहा आप सब पे बनी रहे। और आप सब कैसे हो जरूर बताना, हम तो ठीक हैं। और फिलहाल हम छत पे आए हैं, आपको लग भी रहा होगा देख के कि हम छत पे देखो। और गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 6:30 बजे से। और 6:30 बजे ही देखो अंधेरा हो लगा ना, ठीक है। तो गाइस, अब अंधेरा हो रहा है, हम छत पर आए हैं थोड़ी देर घूमने के लिए। सारांश नहीं आया है, मैं और मीतल और श्रियांश हम तीनों आए हैं। तो चलो गाइस, मिलेंगे थोड़ी देर में। और मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहे, ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें। बाय बाय। हाय गाइस, सो गाइस, अब मैंने कर दी देखो चिलम के लिए। आज कहाँ गई दादी? देखो ये रही, मैंने चिलम के लिए आज कर दिया। तो गाइस, आज मैं अपने हस्बैंड के लिए चिलम भर के ले जाऊंगी नीचे। उन्होंने मुझे चैलेंज दिया है कि मतलब तो पहुँचना हुआ है और चिलम ना भरे जा रहे हैं। अब मैं कह रही क्योंकि वो पहुँच क्यों है कि हम तो भाई पहुँच कॉमन के हैं तो हम पहुँच कर सकते हैं। तो बस यही है कि उन्हें वो पे चिलम भरवानी, तो उन्होंने हमारे वो है मीतल, उन्होंने वो पे चिलम भरवानी हमारे, उन्होंने वो अच्छे अच्छे तोने मारे कि तू पहुँच नहीं कर सकती और तू चिलम नहीं भर सकती। तो मैंने कही कि ना मैं भर सकती हूँ, तो आज मैं आप दिखाऊँगी लाइव चिलम भर के। ठीक है गाइस, चिलम मैंने कभी नहीं भरी अपने घर। हाँ, औच करिए चिलम न भरी है। चिलम भरने में बहुत बड़ी बात हुआ है, हर किसी पर ना आती। सबको अपना अलग अलग तरीका हो चिलम रखने का, चिलम भरने का। तो देखो, औच तो मेरी हल्की हल्की सुलग ही रही है। कौन गई गाइस? मेरा बैक कैमरा खराब हो रहा है। देखो औच में तो धुएं उठी रहे, ये तो थोड़ी देर में हो ही जाएगी। ठीक, और चिलम मेरी ये रखी, ये रखी चिलम, तो मुझे भर के ले जाने का। और मैं इसे पक्का ही, अब देखो उन्हें अच्छी लगेगी मेरे हाथ की या नहीं लगेगी, क्योंकि वो उन्हें आर्यन के हाथ की अच्छी नहीं लगती। आर्यन के हाथ की अच्छी नहीं लगती उन्होंने। तो चलो गाइस, लग रहे हैं अपने काम में, मौजिस मेरी यूरी, आज देखते क्या होता है। औच तो पक्का होएगी, चिलम देखते हैं पास है कि फील होएगी, क्योंकि वो अपने स्टाइल से वाला है। बेटा जैम बिक रही है, फिर जैम खा लो आप। और मैं भी थोड़ी देर इनसे बातें कर लेती थी, मेरी औच होती है। और गाइस, आज के व्लॉग में मेरी मैं ऐसी बनी रहे। आज मैं आपको एक बात और बताने वाली हूँ कि हमारे घर में रात थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसी चक्कर में वो मैं सब आपको आगे बताऊँगी कि क्या हुआ था। ठीक है गाइस, फिलहाल मैं भी छत पे बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, आज देखते होते नहीं होते। तो गाइस देखो, अंधेरा हो चुका है अभी ज़्यादा टाइम ना, 6:40 हुए बस। हाँ, दिन जल्दी छिप जावे। और वो बैठा श्रियांश नहीं। ठीक है गाइस, मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहे, मैं आपको बताऊंगी आगे कि रात हमारे घर में क्या प्रॉब्लम थी। और फिलहाल देखो, मेरी आँच में भी मेरी औच में भी औच जड़ गई, मतलब क्या बोलूँ, धुएं से लग रहे हैं ना, अब औच बढ़ गई है। अभी थोड़ी देर में ही अंगारी बन जाएंगी, फिर के बाद मैं चिलम भरूंगी। ठीक है गाइस, मिलेंगे थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी देखो 7:09 बजे हैं और देखो अंधेरा हो चुका है। ठीक है, 6:50 हो रहे हैं, अंधेरा हो चुका है। और देखो श्रियांश वहाँ सीढ़ी पर चढ़ रहा है। हाय बोलो। हाय गाइस, उतरा रहा। अब मेरी औच भी लगभग हो ही गई है, दिख रहा आज कौन गई दिख रहा नहीं, दिख रहे अंधेरा हो रहा ना, नहीं दिख रही। तो मेरी औच भी हो चुकी है और अब मैं चिलम भरती हूँ और नीचे जाके देखती हूँ। ब्लॉग में तो आएंगे नहीं जहाँ तक है मेरा कहने का मतलब, क्यों आते नहीं है, बट मैं फिर भी उनसे पूछूंगी कि उन्हें कैसा लगा।
मैं चिलमबर्ग ले जाऊंगी आज उनके लिए पहली बार। तो गाइज मेरे हस्बैंड ने मतलब अभी हुक्का पीना स्टार्ट करा एक दो साल से ही, उससे पहले वो हुक्का ना पिया करे। और इन एक दो सालन में, दो साल में इंतजार ऐसा हुक्का पीते पीते, इन दो सालन में मैं पहली बार हुक्का भरूँगी उनके लिए, मतलब चिलम भरूँगी। नहीं मैंने कभी उनके लिए चिलम नहीं भरी, आज पहली बार भर रही हूँ। आज उन्हें वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बात सुनाई जिसके चक्कर में भर रही हूँ, यानी आज मैं नहीं भरती। सबकी बीवी होती है, ये होता है, तुझसे और चुनाव होती है, उन्होंने होता उन्होंने होता, मगर चलो जी आज भरते हैं चलो। तो गाइस बताना कमेंट कर करके जो भी मेरी बहन देख रही है ब्लॉग कि कौन कौन भरता है अपने हस्बैंड के चलो। मेरे चलो भर चुके, आज गुलाब का फूल दूंगा, गुलाब का फूल है। अब मैं जा रही हूँ लेकिन नीचे, उसके बाद आपसे आते हैं। सो हाय गाइस, चिलम मेरी हो चुकी है पास, ठीक है, मैंने चिलम अच्छी भरी है और मैंने पूजा भी कर ली नीचे आके, और अब मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हाय गाइस, सो गाइस मेरा खाना बन चुका है और मैं अपनी प्लेट लगा के ले आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ठीक है। देखो गाइस, ये मेरी आलू गाजर की सब्जी, रोटी और ये मेरी मिर्च है और ये मेरी थोड़ी सी दही है। मैं थोड़ी सी दही लेती हूँ इस टाइम पे, हम लेते हैं तो मैं छाई बटमा अच्छा दही लिया, ठीक है। तो चलो गाइस मिलेंगे थोड़ी देर में, खाना खा लेती हूँ उस खाना से। सो गाइस मेरा खाना हो चुका है और फिलहाल मैं बैठी हूँ, और सारांश और सारांश के डैडी बाहर गए हैं घूमने के लिए, और मैं इतने वो आते हैं इतने बर्तन वर्तन साफ कर देती हूँ, फिर उनके लिए खाना वाना बनाऊँगी। फिलहाल हम बर्तन साफ कर देते हैं। मैंने सोची मेरा सफ़ेद बालों को बहुत लंबा, देखो वैसे देखो दिख रहे होंगे आपको, देखो मेरे, अरे चुन्नी के धागे हैं, देखो चुन्नी के धागे सफ़ेद बाल है, समझ में आ रही, चुन्नी का धागा, चुन्नी का धागा, उनके और तो लंबा सफ़ेद बाल होगा यार, हम तो बुढ़े हो गए, पर ये चुन्नी का धागे हैं, बाल वाल नहीं है। तो चलो गाइस मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ, जब तक वो लोग आते हैं उसके बाद मैं आपसे बातें करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि रात मतलब हम क्यों परेशान हुए, हमारे साथ ऐसा क्या। हाय गाइस, सो गाइस मैंने बताया था, मैंने आपको दिखाया ब्लॉग में कि मैंने चिलम भरी थी अपने पति की पहली बार, तो मेरा पति खुशी से मेरे लिए जलेबी ले कर, देखो मैं जलेबी खाऊंगी और अच्छी लग रही है जलेबी, एकदम मस्त गरम गरम करारी करारी, देखो बहुत अच्छी जलेबी है। मैं ऐसा कुछ ना हो कि चिलम ने चक्कर में लाए, मैं झूठ बोल रही हूँ, आता ये मैं बोल रही हूँ ना, मैं सारांश सर ये बाहर गए तो सारांश और ये फिर ले आए जलेबी। तो चलो गाइस मैं जलेबी खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बातें करती हूँ। एकदम मुकरू बन जाना बहुत ही, बिट्टू आ जा, सारांश नहीं खा रहा, लेके आया खा नहीं रहा, लड़का कुछ नहीं खाता, बस हर चीज लाने की जरूरत। तो गाइस चलो हम खा लेते हैं, उसके बाद आपसे ये मेरी ना अकेली की, तुम सोचो अकेली खाएगी थी सारे, मैं तो खाऊ, ये ज्यादा खा रहे सब, ये सारांश की है, क्यों। सो गाइस अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है सारा, ठीक है, मेरा एक भी काम नहीं बचा हुआ है। फिलहाल मैं और सारांश टीवी देख रहे हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब हमारे घर में रात क्या परेशानी हुई थी, तो ये लड़का देख रहे हो, ये लड़का जानते हो इस लड़के को, अब ये मेरा बेटा है तो ये बताएगा, बेटा रात क्या हुआ था, खांसी हुई थी और क्या हुआ था, और मैं दवाई लाया था, और क्या हुआ था,
और मैं आज मुझे दवाई लेनी। और कुछ भी हुआ था? हाँ तो गाइस रात हमारे घर में तो क्या हुआ बेटा, बंद करो आवाज। हम सो रहे थे सब, हम सब सोए पड़े थे। तो गाइस 3:30 बजे इसके कान में दर्द होगा। बताओ बताओ गाइस को कान के दर्द को तो आप भूल ही गए। इस वाले मुंह आया तो गाइस इस वाले मुंह आया मुझे नहीं उठाता, पहले तो सोता ही मम्मी के पास है, कभी कभी हमारे पास सोता है। तो ये बोले पापा मुझे पानी पीना है, पानी वानी पीने के बाद ये रोने लगा कि मेरे तो कान में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, आवाज निकल ले। तो ये रोने लगा, फिर मैं भी उठ गई। मैं उठी सही 4 बजे और ये 3:30 बजे से जाग रहे हैं बाप बेटा। मैं उठ गई, आवाज़ बंद कर। तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा है उस टाइम पे। और मम्मी मैंने व्लॉग व्लॉग बनाना है, व्लॉग दिख रहा है अपना बालक दिख रहा है टाइम पे। तो मम्मी मेरा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, 4 बजे लेके जाऊँ यहाँ। फिर भी हम यहाँ 4:30 बजे ले गए डॉक्टर के, कहीं कुछ ना डॉक्टर वॉक्टर कहीं भी हमारे आस पास कोई क्लिनिक मतलब कुछ भी ना, बस ऐसे घूम के आगे। ठीक है, फिर ऐसे ही रोता रहा, ऐसे ही रोता रहा कंटिन्यू, फिर चुप ना हुआ। फिर 6 बजे 5:30-6 बजे मैंने ऊपर फ़ोन करा तो एक सीरियंस की दवाई रखी कान की, वो दवाई मैंने इसे दे इसके कान में डाल दी। तो गाइस इतना बेहाई हो कि वह दवाई अपने कान में डलवा कि मैं तो नई दवाई लाऊँगा, मैं इस दवाई ना डालवाऊँ। मैंने फिर भी ज़बरदस्ती इसके कान में डाल दी, तो डाल दी बेटा बंद कर, ज़बरदस्ती इसके कान में डाल दी। के बाद ये बहुत देर को उठवाया, क्यों बंद कर लो ब्लॉग? पापा मारेंगे आपको, पापा मारेंगे मेरे को, ओ पापा मारेंगे आपको, ऐसे बोले। तो गाइस यू बहुत देर को उठवाया जैसे सुबह का 3:30 बजे का। तो उसके बाद ये फिर 8:00-1:00 बजे सो गा रो रहा के, अगर थोड़ा आराम पड़ा ही सो गा। 8 बजे सो के यू 9 बजे फिर खड़ा होगा 1 घंटी उसके बाद ही उस। और गाइस पूरा दिन आज ऐसे ही चला होगा इसके चक्कर में। बहुत ज्यादा रोया गाइस, मतलब ठीक है 3:30 बजे से लेके और 10 बजे तक ही, मान लो 10 बजे की दवाई आ गई, 10 बजे तक ये बीच में 1 घंटा ही सोया गाइस। नहीं कंटिन्यू रोया ही है, मतलब बालक रोगा कितना बुरा लगा। तो चलो गाइस यही सब हुआ था रात हमारे साथ, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि कौन लेके जाऊँ मैं या कौन लेके जाऊँ मैं, हॉस्पिटल में लेके गया पता और हॉस्पिटल में डॉक्टर ना मिले यार। अरे हॉस्पिटल में डॉक्टर ना मिले तो यहाँ लेके गए मम्मी और ये मिले हॉस्पिटल डॉक्टर। तो गाइस वो सिलेंडर वाले भैया है पता ना कहाँ मिले, ये बता रहे हैं क्या कह रहा पापा ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर ये इनसे दिखा दो मुझे, ये डॉक्टर है ना सिलेंडर विलेंडर उतार रहे सुबह में। तो ऐसी ये सब परेशानी हमारे साथ हुई है रात में। चलो मैं करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं बैंड, मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें। और बस मैंने नहीं बनाया उस टाइम पर ब्लॉग ना, मेरे दिमाग में आया कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। हाँ ये बहुत बुरा तड़प रहा है, देखो भी ना जा रहा है अब तक, बहुत आ रहा हूँ मैं पूरा दिन भी आ गया ऐसे ही चला हुआ है कि दवाई लेता नहीं एकदम तो ठीक होता ना बंदो, सस्ते से ठीक हो गए अब तो ये बिल्कुल ठीक है, पर रात बहुत दिक्कत थी गाइज इसके। तो चलो गाइज इस ब्लॉग का करती हूँ इवेंट, मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, पिक्चर देख रहा हूँ मेरे चोरा। और गाइज कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ, थोड़ा आइडिया मेरे को भी हो जाएगा ब्लॉग बनाने का कि किस तरह के ब्लॉग देखने पसंद करोगे आप, मैं क्या चीज़ बनाऊँ ऐसी जो आपको अच्छी लगे। ठीक है गाइज, चलो गाइज वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ 100% ही करती हूँ, आपको अच्छे नहीं लगते वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट मैं अच्छे बनाती हूँ। चलो गाइज गुड नाइट, गाइस ये रिमोट ले लो गाइस, अरे ठीक है तो टीवी को आ जा 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 भैया, आ जा भैया गाइस, आ जाओ आ जाओ, गुड नाइट गाइस, बाय बाय, मिलेंगे न्यू ब्लॉग में।
और फिलहाल ये ठीक है। मम्मी जी प्लग बंद कर दो। कर दिया।